नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन की जो वेरियस पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों, उनका ऑफलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार भरना है, ये जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखते रहेगा। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आपको ऑफलाइन फॉर्म सेंड करना है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी पोस्ट के लिए। सो यहाँ पर दोस्तों ये जो परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन देख रहे हो, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, A4 साइज पर इसको जो है प्रिंट लीजिए अच्छे वाली सीट पर। उसके बाद आपको जो है ये फॉर्म फिल करना है। दोस्तों, इस फॉर्म को आप फिल भी कर सकते हो और यहां पर जो है इसको टाइप भी करवा सकते हो, टाइप भी करवा सकते हो दोस्तों और फिल भी कर सकते हो। एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप इसको टाइप करवा सकते हो, ये आपको टाइप करवाना है। सो यहां पर दोस्तों आपको क्या इसमें लिखना है या फिर टाइप करवाना है वो देखिए। अगर आप इंडियन एयरफोर्स को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आ चुका है कंप्लीट बैच, जिसका नाम है दोस्तों लक्ष्य बेलगांव। इस बैच में दोस्तों आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा टीच किया जाएगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, फिजिक्स बाय आरएस सर, मैथ बाय मयंक सर, इंग्लिश बाय धर्मवीर सर, इसी प्रकार दोस्तों और भी बहुत सारे एजुकेटर हैं जो कि आपको इस बैच में टीच करेंगे। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से। और दोस्तों, अगर आप जो है एयरफोर्स के एग्जाम देने जा रहे थे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। 200+ लर्नर्स ने दोस्तों अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन करके रिटर्न को क्वालिफाई किया है इंडियन एयरफोर्स और एनडीए के। सो दोस्तों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद सिंपल गेट सेप्शन पर क्लिक कीजिए। एनडीए नेवी एयरफोर्स कैटेगरी में गेट सेप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने टेन्योर चूज करना है, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो तो यहां पर आप सिंपल टेन्योर चूज कीजिए। यहां पर यह जो हैव अ रेफरल कोड आपको दिख रहा है, इसमें आप सिंपल एंटर कीजिए दोस्तों इंडियन, ये मेरा रेफरल कोड है। जैसे ही आप इंडियन एंटर करोगे तो आपको सभी टेन्योर के बैचेस में 10% का जो है ऑफ मिल जाएगा, 10% का जो है इंस्टेंट डिस्काउंट आपको जो है मिल जाएगा दोस्तों, अगर आप इंडियन प्रोमो कोड यूज करते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप यहां पे नो कॉस्ट ईएमआई का भी जो है फायदा उठा सकते हो अगर आप 6 मंथ या फिर इससे ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो। सो जरूर यूज कीजिएगा दोस्तों इंडियन प्रोमो कोड। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पर किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, आप सभी को पता है बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं, एमटीएस कुक, मैस स्टाफ, स्टेनोग्राफर, क्लर्क यानी एलडीसी, मतलब बहुत ज्यादा पोस्ट है दोस्तों। सिंपल आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको यहां पे एंटर करनी है। आप सभी को पता है दोस्तों वेरियस कमांड में जो है यूनिट वैकेंसीज निकाली गई हैं, यहां पर आपके हेडक्वार्टर भी अलग से हैं, यूनिट्स भी अलग है। सो यहां पर आपको यूनिट का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दोस्तों मेंटेनेंस यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मेंटेनेंस कमांड यूनिट, मेंटेनेंस कमांड यूनिट, ध्यान रखना दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है भाई, अच्छे से टाइप करवाना है दोस्तों। यहां पर अगर आप गलती करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहां पर पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखा है दोस्तों कि पोस्ट किसके लिए, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, कौन से पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, तो यहां पर मैं लिखना चाहता हूं दोस्तों मल्टी टास्किंग स्टाफ। एमटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो है मैंने यहां पर लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर्स में अपना अपना नाम लिखना है। देखिए यहां पर मैं अपना नाम जो है लिख देता हूं दोस्तों, जो भी मेरा नाम है वो यहां पर आप सभी को जो है अच्छे से लिख देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, तो यहां पर जो भी आपके पिता का नाम है वो आप यहां पर जो है लिख सकते हो, जो भी आपके पिताजी का नाम है दोस्तों वो आप यहां पर लिख सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है दोस्तों, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आप जो है लिख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से आपको यहां पर जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहां पर क्या कहा दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट की सेल्फ कॉपी, सेल्फ टेस्टेड कॉपी भी आपको अटैच करनी है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट अप्रोक्सीमेट आप मान के चल सकते हो दोस्तों कि 2 मई 2021 जो है इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, नियर अबाउट, क्योंकि 1 मंथ है, अप्रैल के जो है 2-3 तारीख को निकले हैं और 30 दिन के अंदर आपको ये सेंड करने हैं। तो 2 मई 2021 तक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी दोस्तों वो आपको यहाँ पे लिखनी है, कितने साल के आप हो जाएंगे, कितने मंथ के और कितने दिन के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना है, एड्रेस, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आपको अपना
से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो भी आपका हाउस नंबर है दोस्तों, जो भी आपका हाउस नंबर है वो हाउस नंबर आपको लिखना है, स्ट्रीट का नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए, विलेज अगर आपका है तो विलेज का नाम भी लिख लीजिए। दोस्तों सिक्योरिटी रीजन से मैं जो है अपना एड्रेस यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिए अच्छे से, जो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पर आप जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए दोस्तों, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद स्टेट का नाम लिखिए दोस्तों, जो भी आपका जो है यहाँ पे स्टेट है उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पिन कोड लिखना है दोस्तों, जो भी आपकी सिटी का पिन कोड है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखा है दोस्तों, अगर कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम टू सेम आप जो है नीचे एंटर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट आप ध्यान रखना, अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंड एड्रेस अलग अलग हैं तो आप अलग अलग फिल कर सकते हो, अगर सेम है तो दोनों सेम भी फिल कर सकते हो। 8th पॉइंट आता है दोस्तों कि आपकी कास्ट क्या है, मतलब आप कैटेगरी कौन सी के अंतर्गत आते हो। सो यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी आती है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, और आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लगाना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना, लेकिन अगर आप OBC SC ST से हो तो आपको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों, मतलब MTS के लिए मिनिमम 10th है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है। उसके बाद यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट भी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एनी अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे अगर आपने 12th कर रखी है तो 12th आप लिख सकते हो, कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्या कहा है दोस्तों, कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, मतलब आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC SC ST जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो दोस्तों, और उसकी अटेस्टेड कॉपी आपको अटैच करनी होगी। अगर आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन है तो आप यहां पर लिख सकते हो, अदरवाइज आप नील लिख के भी जो है इसको कर सकते हो। डोमिसाइल आपसे पूछा है दोस्तों कि किस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास जो डोमिसाइल है दोस्तों वो हरियाणा का डोमिसाइल है, इसके साथ मेरे को डोमिसाइल की कॉपी भी जो है अटैच करनी होगी। उसके बाद दोस्तों क्या कहा है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड हो तो यस कर सकते हो, अगर नहीं हो तो नो कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है 12वीं के बाद जो है सरकार क्या होती है, राज्य सरकारें आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंतर्गत रजिस्टर करती हैं। जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं लगती तब तक आपको जो है एक भत्ता दिया जाता है, अगर आप उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हो तो यस कर सकते हो, अगर नहीं हो तो नो कर सकते हो। उसके बाद क्या कहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा है, मतलब आपको आपने ये सारी डिटेल जो है फिल की है ये बिल्कुल करेक्ट है, और आपके अकॉर्डिंग जो करेक्ट है मतलब आपने जो भी डिटेल यहाँ पर करेक्ट लिखी है, फिल की है, वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर जो है करने हैं दोस्तों, आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, डेट आपको डालनी है दोस्तों, जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया है वो डेट जो है यहाँ पर आपको डाल देने। फॉर एग्जांपल के लिए मैं जो है 12 अप्रैल 2021 को जो है ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो है डेट डाल दी है। यहाँ पर नीचे वाला पॉइंट देखो दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, मतलब ये आपको फिल नहीं करना है, ये आपको फिल नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद एक्नोलेजमेंट कार्ड में आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफ मतलब किस पोस्ट के लिए आपने यहाँ पे, मतलब आपका एडमिट कार्ड जाएगा, सो जो भी आपकी पोस्ट थी जिसके लिए आपने अप्लाई किया वो यहाँ पर आपको लिखना है। आपका नाम आपको यहाँ पर लिख देना दोस्तों, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर क्लियरली लिख लेना है। आपके फादर्स नेम आपको एंटर करना है दोस्तों, आपके पिताजी का क्या नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद क्या कहा है दोस्तों, आप अपना एड्रेस भी यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो आपने ऊपर लिखा है वो एड्रेस आप जो है यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा, जहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जो है जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे वाला 4th पॉइंट है ये आपको फिल नहीं करना है, 5th पॉइंट भी आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है दोस्तों, और उस पर ऐसे क्रॉस सिग्नेचर लगाने हैं, उस पर आपको ऐसे जो है क्रॉस सिग्नेचर लगा देने दोस्तों, ये भी आप जो है नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर वाला कॉलम था, यहाँ पर भी आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो आपको फिक्स करनी है, और यहाँ पर भी आपको जो है इसमें क्रॉस सिग्नेचर जो है लगा देने हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, MTS की पोस्ट थी तो आपने पता है आपको 10th है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं OBC का भी मैंने लगाया था तो OBC का भी है। अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन आता है तो मैंने 12th डाली थी तो 12th का भी सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की हो गई। उसके बाद आधार कार्ड आप जो है यहाँ पर लगा सकते हो, मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगाने हैं, अच्छे से एनवलप में लगाना है। एनवलप पर अपना जो है जहाँ पर आप सेंड कर रहे हो वो आपको एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस साइड में लिखना है, फिर जो अंदर सेल्फ एड्रेस एनवलप होता है उस पर भी अपना सेल्फ एड्रेस लिखना है, फिर टिकट स्टैम्प्स लगाने हैं दोस्तों 10 रुपये की सेल्फ एड्रेस एनवलप पर,
और बाहर वाले एनवलप पर, उसके बाद सिंपल ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आपको जो है ये सेंड करना है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आपको सेंड करना है, कैसे एनवलप लेना है, क्या क्या एनवलप पर लिखना है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो फॉर्म आपको दिया हुआ है इसका PDF भी आप ले सकते हो। बाहर शॉप वाले क्या करेंगे दोस्तों, वो महंगा आपको सेल कर सकते हैं, तो आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए दोस्तों, 2 पेजेस का जो ये फॉर्म है, और उसके बाद इसको अच्छे से आप सेंड कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक डिटेल आपसे मांगी गई है, और यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट के डाउट आ रहे थे कि क्या एक से ज़्यादा जो है पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों जितनी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उतनी ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म जो है सेंड करने होंगे दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आप सभी को सारी डाउट जो है क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपका बचे तो आप जो है मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।